आईपीएल 2022 का ऑक्शन 12 फरवरी को होना है और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग 5 बड़े खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है। उन पे हम नजर डालेंगे। सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है फाव डुप्लेसिस का। फाव डुप्लेसिस 2022 में शानदार फॉर्म में थे। दूसरे नंबर पर उन्होंने जो है आईपीएल 2022 में रन बनाए थे। पहले नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ थे। जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की है, चेन्नई सुपर किंग हर हाल में उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। उनके अलावा दूसरा बड़ा नाम सामने निकल कर आ रहा है शार्दुल ठाकुर का। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर को एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग टारगेट कर सकती है। उनके अलावा दीपक चहर भी चेन्नई सुपर किंग के रडार में होंगे। दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर दोनों ही शानदार ऑलराउंडर बन चुके हैं। जिस समय से वह चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़े हैं, बल्लेबाजी में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, खासकर शार्दुल ठाकुर में। और दीपक चहर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखा दिया है कि उन्होंने बल्लेबाजी का पोटेंशियल है। तो दोस्तों, इससे पहले आपको बताना चाहेंगे रबोना के बारे में। एक बेहद ही सफल स्पोर्ट्स बुक है जो कि 2019 से लाइमलाइट में आई है। एक यूनिक, अभी तक का नेविगेट करने में सबसे आसान डिज़ाइन पूरे बैटिंग अनुभव को आसान बनाता है। वेलकम बोनस में बहुत ही ज़्यादा फायदा है जो कि आपको 100% तक 8000 तक का ऑफर देता है। रबोना के पास लगभग सभी स्पोर्ट्स इवेंट में कॉम्पिटिटिव ऑड्स हैं और डेडिकेटेड प्लेयर्स को लॉयल्टी प्रोग्राम का बेनिफिट भी मिलता है। कस्टमर्स के लिए 24 घंटे लाइव सर्विस है जो आपके किसी भी सवाल के लिए आपकी मदद करेंगे। रबोना लोकल पेमेंट मेथड भी ऑफर करता है, यानी कि आप UPI हो और किसी भी पेमेंट मेथड से डिपॉजिट कर सकते हैं, जबकि रबोना पर सारे ट्रांजेक्शन बिल्कुल सेफ और सिक्योर हैं। रबोना मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर यूज़ कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है और अभी क्लिक करें और ऑफर का फ़ायदा उठाएँ। इन तीन बड़े खिलाड़ियों के अलावा चौथे बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग को। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है और वो हो सकते हैं जेसन होल्डर। जेसन होल्डर शानदार गेंदबाजी तो करते ही हैं, लेकिन उनके लंबे लंबे हिट्स लगाने की भी मादा रखते हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग तेज बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर जेसन होल्डर को टीम में शामिल कर सकता है। पिछले सीजन में जेसन होल्डर सनराइज हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे और हो सकता है इस सीजन में धोनी की टीम उनको टारगेट करे, क्योंकि इस बार सैम करन टीम का हिस्सा नहीं होने वाले हैं और वो जो है अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए हो सकता है एक तेज बॉलिंग ऑलराउंडर चेन्नई सुपर किंग को चाहिए, तो वो जेसन होल्डर हो सकते हैं। इसके अलावा आखिरी बड़ा नाम जो है वो हो सकता है भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी और हर्षल पटेल में से एक, क्योंकि ये तीनों भारतीय तेज गेंदबाज हैं और इनमें से एक तो चेन्नई सुपर किंग के कैंप का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि एक डोमेस्टिक बड़ा नाम वाला तेज गेंदबाज जो है चेन्नई सुपर किंग को चाहिए होगा। पिछले सीजन में शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर थे, इस बार हो सकता है वो ऑक्शन में न हाथ लगे, तो इन तीनों खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग टारगेट जरूर करना चाहेगी। आपको क्या लगता है, कौन से बड़े खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग इस बार टीम में शामिल कर सकती है और कौन सा नया नाम जो है वो चेन्नई सुपर किंग में जुड़ सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं।